उस वेले दी भारत सरकार ने 1984 दे विच साडे पिंडे ते चरीटां नहीं मारियां, उन्हें साडे दिलां दे उत्ते डूंघे जख्म कीते है। सूरज पछम तो चढ़ सकता है, समुंदर सुक सकते है, धरती हिल सकती है, पर जे भारत सरकार चाहती है ना कि सिख 84 भुल जाण तो ये 84 भुली नहीं जानी। और जिन्होंने जख्म दिते उन्होंने तो मलम लाउणी की सी, उदों बाद जिहड़े हुक्मरान आए उन्होंने भी मलम लाउण दा कोई जतन नहीं किया। जालम सरकारां तों कदे उम्मीद रखनी भी जिहड़ी है ना वह बहुत ही सियाणप नहीं हुंदी। इह नहीं है कि साडी शक्ति घट है, साध संगत जी साडी शक्ति घट नहीं है, पर साडी शक्ति बिखरी हुई जरूर है। जे असीं जालमां नाल टक्कर लैणी है तो सानू बिखरी हुई शक्ति नूं इकट्ठिया करना पए। साड़ियाँ कुछ संस्थावां जिहड़ियां ने सरकारी हत्थां च चलिया गई, तो सरकारी हत्थां च चलिया गई वह मजलूमां नूं लंगर खवाउण तों भी जिहड़ा है वह जवाब दे रही। साड़ी उस शक्ति नूं नशियां दे नाल नेस्तो नाबूद किया जा रहा है, साड़ी उस शक्ति नूं सोशल मीडिया राही गंदी फीड दे के भ्रष्ट किया जा रहा है। मैं सारिआं नूं झोली अड के इहो अपील करदा कि श्री अकाल तख्त साहिब की अगवाई च असी सिख शक्ति नूं इकट्ठा करिए, कोई लोड़ नहीं है सानू इंसाफ मंगण दी झोली अड। सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब जी दे आभा मंडल दे विच सुभाईमान श्री अकाल तख्त साहब दे उपर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की हजूरी च जुड़ बैठी सात संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी सन 1984 दे विच जो दुखांत वापरे है घल्लूघारे का उहदी याद दे विच जुड़े बैठे हैं। उस वेले दी भारत सरकार ने इस दिन 1984 दे विच साडे पिंडे ते झरीटां नहीं मारियां, पिंडे ते लगियां झरीटां दे जख्म जिहड़े आ उह मिट जांदे हुंदे आ, उहने साडे दिलां दे उत्ते डूंघे जख्म कीते आ। और इह जिहड़े डूंघे जख्म है इह भरने नहीं आ। सूरज पछम तो चढ़ सकता है, समुंदर सुक सकते है, धरती हिल सकती है, पर जे भारत सरकार चाहती है ना कि सिख 84 भुल जाण तो ये 84 भुली नहीं जानी है, क्योंकि जख्म बड़े गहरे, जख्म बड़े डूंघे। और जिन्होंने जख्म दिते उन्होंने तो मलम लाउणी की सी, उदों बाद जिहड़े हुक्मरान आए उन्होंने भी मलम लाउण दा कोई जतन नहीं किया। और ना ही असी उम्मीद करते, जालम सरकारां तों कदे उम्मीद रखनी भी जिहड़ी है ना वह बहुत ही सियाणप नहीं हुंदी। लोड़ हुंदी है अपने आप नूं मजबूत करन दी। साडा इतिहास दसदा है कि जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने बहादुर शाह जिहड़ा दिल्ली का हुक्मरान बनिया उन्हूं याद करवाया वी हुक्मरान बनन तो पहला तू कुछ लिखती वादे किए सी, उन्हां वादियां नूं पूरा करन दा वक्त है तेरे कोल ते तू वादे पूरे कर। आगरे की धरती दे उत्ते श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी नूं बहादुर शाह ने जवाब नहीं दिता भी मैं वादे पूरे नहीं करने, बस लारा लप्पा लाया। तो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दूर अंदेश सतगुरु सन, परमेश्वर तुल सन, उन्होंने कहा ए हुक्मरान तेरे ते सानू यकीन नहीं सी। ते हुक्मराना ते यकीन करना जिहड़ा ये सवाए मूर्खता तो वध कुछ नहीं हुंदा। हुण खालसा समर्थ है साडा, जिहड़ा कुछ करना है वो असी खुद करांगे।
धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने नादेड़ साहब की धरती तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को तैयार करके पंजाब तोरिया। तो बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने पंजाब आके सिख शक्ति इकट्ठा किया जिहड़ी बिखर चुकी सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज की ज्योति जो समाउण तो बाद। यह नहीं है कि साड़ी शक्ति घट है, साध संगत जी साड़ी शक्ति घट नहीं है, पर साड़ी शक्ति बिखरी हुई जरूर है। तो जे असी जालमां नाल टक्कर लेनी है तो सानू बिखरी हुई शक्ति कट्ठिया करना पाएगा। असी 84 तो बाद कदे सिर जोड़ के बैठे भी नहीं आने, अरदास शामिल होने, अपनियां भावनावां अपने जज्बातों जिहड़ा वो प्रगट करते हैं तो फिर घरे चले जाने। अज लोड़ है कि असी सिख शक्ति इकट्ठा करिए। ये जिहड़े छोटे छोटे मतभेद हुंदे आ ना, ये कौमां नूं जिंदा रखदे आ, इन्हां दी परवाह ना करिए। इन्हां मतभेदां तों उपर उठिए, इन्हां मतभेदां तों उपर उठ के श्री अकाल तख्त साहब की अगवाई दे विच इकट्ठे होइए। मैं नहीं कहिंदा मेरी अगवाई च चलो, हम आदमी हाँ एकदमी, मैं अज हाँ कल नूं नहीं होवांगा, पर श्री अकाल तख्त साहब की सरप्रस्ती च इकट्ठे जरूर होइए। साडियां संस्थावां साडी शक्ति का स्रोत है, अपनियां संस्थावां नूं मजबूत करन दा जतन करिए। केवल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नहीं, साडियां सारियां संस्थावां और साडे वेंदियां वेंदियां साडियां कुछ संस्थावां जिहड़ियां ने सरकारी हत्थां च चलियां गईयां, ते सरकारी हत्थां च चलियां गईयां वह मजलूमां नूं लंगर खवाउण तों वी जिहड़ा वह जवाब दे रही। की करांगे असीं, सरकार दा दबाव है, असी जंतर मंत्र दे उत्ते प्रशादा नहीं भेज सकते। कि पंजाब दे विच भी असी इहो जिहे हालात ही बनाउणा चाहुंदे, ऐसा समा आ जाए कि असी जिहड़ा तितर बितर हो जाइए, बिखर जाइए, टुट जाइए। मैं झोली अड के आप जी नूं, क्योंकि सारा पंथ इकट्ठा है, पंथ दीआं नामावर संस्थावां इकट्ठियां ने, अज बैठियां ने, मैं सारियां नूं झोली अड के इहो अपील करदा कि श्री अकाल तख्त साहब की अगवाई च असी सिख शक्ति नूं इकट्ठा करिए। कोई लोड़ नहीं है सानू इंसाफ मंगण दी झोली अड के। नहीं देना उन्होंने तो वरतांत सिरजना शुरू कर दिता। मैं संतां दे जन्म भूमि दे उत्ते भी शब्द कहे सी कि उन्होंने तो वरतांत सिरजना शुरू करता कि सिखां दा की है, ये तो घट गए ने, सरकार नहीं बन सकती सिखां दे बल ते पंजाब च, ये वरतांत सिरजना शुरू करता, असी इस वरतांत नूं तोड़ना है। मैं जिन्ने भी साडे साधु महात्मा ने, साबका सिंह साहिबान ने, जिन्ने भी प्रचारक ने, चाहे दमदमी टकसाल नाल संबंधित है, चाहे मिशनरी कॉलेजां नाल संबंधित है, मैं सब नूं इहो अपील करदा कि काफला बन के तुरीए पंजाब दे पिंडां दे विच, क्योंकि साडी शक्ति दा जिहड़ा मुख स्रोत है वह पिंडां दे विच है। असीं पिंडां चों ताकत इकट्ठी करिए, काफले बन के तुरीए, साडी उस शक्ति नूं नशियां दे नाल नेस्तो नाबूद किया जा रहा है, साडी उस शक्ति नूं सोशल मीडिया राही गंदी फीड दे के भ्रष्ट किया जा रहा है। असी अपनी सिख शक्ति नूं, सिख नौजवानी नूं बचाउण दा उपराला करिए। आ वोटां वाले नहीं, वोटां वेले रुसियां नूं मनाउंदे हुंदे, असी काफले बन के तुरीए जिहड़े साडे तों दूर जा चुके ने, पतत हो चुके ने, नशियां दा शिकार हो चुके ने, जां अनमतां वल जा रहे ने, असी उन्हां नूं मोड़ के असी श्री अकाल तख्त साहिब वल लैके आईए। दसीए उन्हां नूं कि साडा असली घर आ है, जिन्हों गुरु नानक साहब के दर तो कदे कुछ नहीं ना मिलिया, सारा जहान घूम ले उन्हें मिलना कित भी नहीं है, क्योंकि इस दर तो वड्डा कोई दर नहीं है साध संगत जी, इस घर तो वड्डा कोई घर नहीं है। इस करके
असी इस घर नूं इस घर दे नाल अपनी नौजवानी नूं जोड़न दा यतन करिए। बहुत कुछ कहना दिल च है पर समा इजाजत नहीं दिंदा। बस इहो ही है कि असी सिख शक्ति संभाल लईए, फिर सानू किसी सरकारां तों भीख मंगण जाण दी लोड़ नहीं है, फिर सानू किसी दे अगे हाथ अड्डण दी लोड़ नहीं है। जो कुछ करना है, जो कुछ असी करना चाहुंदे आ जां जो साडे दिलां च है ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਜੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਰਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਰਨਲ ਭਾਈ ਸੁਬੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ 84 ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ 84 ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ 84 ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਓਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਬੂਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਕਾਫਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਰ ਕਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀਏ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੰਡਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਇਸ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਢਾਲ ਬਣਾਈਏ, ਐਸੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਸਕੇ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।